सभा के विधायक कैलाश राजपूत जी, उनसे पूछते हैं कि उनकी मीटिंग यहाँ पे और इसका दौरा किस लिए हुआ यहाँ पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सर किस लिए यहाँ पे आए हुए थे आप? आज दिलदार हुसैन नकवी जी द्वारा गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम था, हमें सूचना दी गई तो हम भी आ गए। ये तो प्रत्येक वर्ष गरीबों को कंबल बांटते हैं, आज बांटे तमाम कंबल का ढेर हमने पीछे भी लगा देखा है। मैंने बधाई देना चाहता हूँ कि ईश्वर इनको इतनी ताकत हमारे बनाए रखे जो ज़्यादातर ज़्यादा गरीबों की मदद ही करें। आगे भविष्य में दिलदार हुसैन के लिए क्या देखते हैं आप? अब दिलदार हुसैन का नाम है दिलदार हुसैन है, ज़्यादा चार खा सकता नहीं। हमने जहाँ तक सुना है इन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक ज़्यादा मदद की है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से इन्हें कुछ मुहैया नहीं हो पाया, इसके कारण क्या हो सकता है? ऐसा है, ये समाज सेवी व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन लोग हैं, उनका ग्रुप भी बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा वेट करना पड़ता है। निश्चित तौर से ये मेहनत करेंगे तो इनको रिजल्ट और सबको दिखाई पड़ेगा, इनका रिजल्ट दिखेगा कि कहाँ पे पहुँच गए। भाजपा में आप देखते हैं कि भाजपा ही है जिसमें सर्व समाज के लोगों का चयन होता है, आदमी को पता नहीं होता। रामनाथ कोविंद माननीय राष्ट्रपति जी हैं, ये राज्यसभा सांसद जी थे और इनको लोकसभा का टिकट इटावा नहीं मिला था। सौरिक देहात से वो रसूलाबाद से इनके लड़के की पत्नी को टिकट नहीं मिला था। चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया और राज्यपाल के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन, बहुत साधारण घर में पैदा हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी कब किसकी कहाँ जरूरत पड़े उसको समायोजित करने में भाजपा के अलावा और किसी में नहीं। अखिलेश जी का दल है, उनका पैतृक दल है, बहन जी का दल है, उनका पैतृक है, इसमें उनका बन मैन सो है और भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज के हमारे महान नेतागण हैं और वो व्यवस्था है। माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, आपने देखा कोरोना काल खंड से गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से अलग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से अलग और तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। और मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने सर्व समाज को अगर कालोनी दी तो किसी जात को छोड़ा नहीं है, सर्व समाज के गरीबों को दिए। राशन मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है, कानून व्यवस्था सही है तो सबके लिए सही है। समाजवादी पार्टी में देखते थे दिन दहाड़े सकराबा रोड पर, परव रोड पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, आए दिन दिन में लूट होती थी, माँ बहनें लूटती थी, जंजीर लूट जाते थे। अब आपको कोई घटना रात के 12-1 बजे माता है, मैंने जाती ब्याह शादी करके कोई बोलने वाला नहीं, वही पुलिस है, वही व्यवस्था है। आज गुंडा लोग धीरे धीरे गायब हो गए कि नहीं हो गए, मैं गलत कह रहा हूँ बताइए आप? कानून का राज है और जो समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती थी यही कबीरपुर है। कई बार मोहित यादव ने सपा सरकार में दंगा किया, लोगों को मारा पीटा, सौरिक में मुसलमान भाइयों की सपा सरकार में दुकानें जलाएंगी, जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कह दे किसी का उत्पीड़न हुआ हो, किसी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखा गया हो, किसी को मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वो तो सर ठीक है, जैसे आपने कानून व्यवस्था की बात की, कानून व्यवस्था में सबसे जैसा आप बता रहे हैं अपने कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था सही हो गई है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तो लगता है कि मतलब नंबर एक की पोजीशन पर उत्तर प्रदेश जा रहा है सर। मैं आंकड़े वगैरह नहीं जानता हूँ, मैं तो अपनी विधानसभा जानता हूँ, अपनी विधानसभा तिरभा में आप देखो कहीं गड़बड़ हो रहा तो बताए कोई आदमी? कोई हो रहा हो थाना सौरिक में, इंदरगढ़ में, तिरभा में, ठटिया में? हम क्षेत्रीय विधायक हैं, छोटे नेता हैं और तो हमारा छोटा क्षेत्र है, हम उसी की बात कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी कहीं ऐसी दिक्कत नहीं, मैं छिबरामऊ रहता हूँ, हमें छिबरामऊ का हालात मालूम है। तो जाते जाते सर एक आखिरी क्वेश्चन, दिलदार के लिए कुछ दो शब्द बोल के जाएंगे आप? अब दिलदार तो दिलदार है, इनके लिए हम जो भी क्षमता लगा देंगे पूरी इनको आगे बढ़ाने में, ये मैं सबके सामने कह के जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कैलाश राजपूत जी जो तिरभा विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, तो जैसा उन्होंने बताया क्या आने वाले वक्त में दिलदार के साथ कुछ होगा, तो दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत।